देश को कोरोना के खिलाफ एक और हथियार मिल गया है जो कि काफी कारगर साबित होने वाला है, और ये हथियार बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक नई दवाई बनाई है जिसका नाम 2-डीऑक्सीडीग्लूकोज यानी 2DG है। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना की इस दवा 2DG को देश में गेम चेंजर और संजीवनी भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि डीआरडीओ के इनमास लैब के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर ये दवाई बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि 2DG दवा से कोरोना मरीजों को जल्द से जल्द ठीक किया जा सकेगा और इसे लेने से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा रहेगा। दरअसल ये दवा ग्लूकोज का एक सब्स्टिट्यूट है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस अपनी एनर्जी के लिए मरीज के शरीर से ग्लूकोज लेता है, लेकिन ग्लूकोज के धोखे में वो इस दवा का इस्तेमाल करने लगता है जिससे वायरस को एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, इससे वायरल सिंथेसिस बंद होने लगता है। आपको बता दें कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई कोरोना की ये दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में है जिसे पानी में घोलकर लिया जाता है। ये कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा होती है और वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को शरीर में बढ़ने से रोकती है। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई ये दवा देश में उम्मीद बनकर आई है और ये काफी कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि अभी तक किए गए शोध के मुताबिक ये दवा रोगियों को तेजी से ठीक करने में मदद करती है। ऐसे में इस दवा के आने से कोरोना मरीजों को जल्द से जल्द ठीक करके कोरोना को पूरी तरह मात दिया जा सकेगा, साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी भारी कमी देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।